पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। वंचित वर्ग मोर्चा की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव ने नीतीश कुमार की औकात बता दी है। साथ ही चौधरी ने यह भी कहा कि उपचुनाव के सिग्नल को वो समझ नहीं पाए, इसकी आवाज अब दिल्ली तक जाएगी। कल का उपचुनाव का रिजल्ट आया है, कल का मत जाइए, जहानाबाद से। जहानाबाद ने पहले सिग्नल दिया था कि चेतो चेतो चेतो, और नहीं चेता तो फिर कल जोगीहाट में चेतावनी दिया है बिहार से। ये दोनों चुनाव का जो फल है वो मामूली नहीं है, इसकी आवाज़ और इसकी सुगंध दिल्ली तक पहुंचने वाली है। और ये लोग आँख में तेल, कान में तेल डाल करके और आँख में छाली लगा के जो बैठा हुआ है, ये सबको पता चलेगा 2019 में। चौधरी ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ लोगों को पाकिस्तान का डर दिखाते हैं और खुद बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। सरकार आज गरीबों की नहीं है, सरकार पूंजीपतियों की है, और उसी के सहारे जो पूंजीपति कहता है चलाया जा रहा है, और देश में कम्युनल टेंशन पैदा करने की चेष्टा की जा रही है। और हमको धमकी दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, कश्मीर का, और पाकिस्तान बिना बुलेले चल जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। एक बात रहता अपना अमेरिका 10 बार, अब तक के इस देश में जितने प्रधानमंत्री बने हैं 70 साल की आज़ादी में, उस सब मिल के जितना विदेश का दौरा किया, ये 4 साल में ही हमारा प्रधानमंत्री कर चुका उतना दौरा। एक कभी सच नहीं बोलते हैं, महीना दो महीना में एक बार मन की बात करते हैं, बाकी दिन सब फालतू बात करते हैं। बता दें कि दलितों के अधिकारों की हकमारी के खिलाफ 24 जून को पटना के गांधी मैदान में रैली होगी, जिसमें प्रकाश अंबेडकर और कई पूर्व न्यायाधीश के शिरकत करने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।